नमस्कार टु डे टि सम्पूर्ण गोटीको स्वागत अ हाम चाम हामी बातचित गरम अखन राजनीतिक राजनीति विषयपर अखनकै राजनीति अवस्था के छ ताही क्रममा आइर के रूपमा बातचित क्रममा छ पूर्व उप प्रधान एवं गृहमन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य आदरणीय प्रतिभाशाली नेता विमलेन्द्र जी त को परिचय के मुम थाबी कार्यक्रममा एकता परिचयत्मक विषय रहेछ उहाँ टॉक में स्वागत गरबन् तब अखन के राजनीतिक अवस्था स्थानीय सब प्रदेश ल सङ्घ तहक अवस्थाको बारेमा अपने के स्वागत बहुत धन्यवाद हजी अखुकै राजनीतिक अवस्था के अब पहिले आइजपुर ब्ररह्मुरी सुरुद्र पुस्तकालयमा सौरज प्रसाद कोइराला स्मृति दिवस भाग लिरह सरराला हर नेपाली काङ्ग्रेस बडा शीर्ष नेता छै अ जनकपुर प्रति हम हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरे हाँगे अन्तिम समयमा बहुत काम के नेपाली विद्यारी सङ्घको सदस्य रह दरअसल में हम काठमांडू में जब पढ़ गए रही जनकपुर आबक के लिए हम वे जनकपुर जनपुराओ कॉलेज यूनियन के चुनाव लड़ते रह बाद में हम सचिव लड़ल रहें जीतल रही आज हम प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण करे और ये आगे प्रश्न जैसे अखल के राजनीतिक अवस्था अखल के राजनीतिक अवस्था में शुरक्षित में दू तीन टा बारत एक तो बात राजनीतिक व्यवस्था में सरकार पकड़ से हाँ तो सरकार नेकपा एम आल के अध्यक्ष के पी के नेतृत्व में प्रधानमंत्रित्व में सरकार है आई सरकार से नेपाली कांग्रेस और एम आल के गठबंधन के सरकार से मूल रूप से आर पार्टी सबसे लेकिन मूल रूप से कांग्रेस और एमआल के गठबंधन में बनल सरकार है एक समझौता अनुसार से तय से प्रधानमंत्री के पद में के पी ओली नियुक्त भाई से लगभग दो वर्ष तक वह रहता प्रधानमंत्री दो वर्ष के, के बाद में नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर जी के हस्तांतरण रहते पे वो रहता चुनाव तक चुनाव चौरासी चुनाव तक एक बात है इवन सिचुएशन राजनीतिक अवस्था के दूसर बात हुए नेपाल में नया संविधान जो बनल संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक संविधान बनल समावेशी संविधान बनल तरह दूटा निर्वाचन भ चुक है दूटा निर्वाचन भ चुक है आप जैसे आगा बढ़ सीयत प्रादेशिक तह तो, स्थानीय तीघीयतः तो, तो, प्रादेशिक तथानीय तो, तह में सबसे अखन महत्वपूर्ण बात है संघीय प्रणाली के अनुसार सातवटा जो प्रदेश है सतवा प्रदेश के जो प्रभावकारिता हो नहीं भरल से तेरम में अब बहस भाई हम मूल कारण क्यों बे ज सब कमजोरी नेपाली कांग्रेस एमाले बावा ए माओवादी या जे राजनीतिक दल सब मिलकर संघीय प्रणाली के संविधान जारी के लिए, सब तो संविधान जारी के के बाद में निर्वाचनों के बाद में प्रदेश के पास में जो अपन प्रहरी संगठन हो चाहिए से अ दे के लिए कोदारुकता से <स्थाँगी> प्रदर्शित नहीं हमने राजनीतिक दल के कमजोरी आब अखन सुनी हम तो डे वन से बातें कह रही सातों प्रदेश के से दूटा चीज पहले अपन हो चाहिए सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जो तो सुरक्षा निकाय निकाल जे अंतर्गत अके खास कर नेपाल प्रहरी अब नेपाल प्रहरी के प्रदेश पर ही हो चाहिए आ दोसर कम्पोनेंट से सिविल सर्विस सिविल कोनो प्रदेश के पास पासवेड नहीं है अब में से केंद्रीय सरकार से संसद से राजनीतिक दल से बेसि रुचि देख प्रदेश के सरकार सब शुरू में रुचि देखे प्रदेश के लेकिन बाद में सब प्रदेश के मुख्यमंत्री आंतरिक मामला मंत्री जगह मंत्री, मंत्री जे। के काम जब करे सबके से अ बात के महसूस करके मांग कहाल हर सबके संगठन प्रणी संगठन दिए आ नेपाल सरकार तरफ से चर्चा अब प्रधानमंत्री सब कैसे बेराबादी के प्री आनी लिखेगा जल्दी से जल्दी चिले हम नहीं देखिए प्रहरी ऐन के हम देख आप चर्चा करवे अखन सबसे कमी कमजोर है संघीय प्रणाली के सफल के कार्यादा शर्त है जे हर एक प्रदेश के पास पे अपन प्री संगठन हो चाहिए और निजामती कर्मचारी संरचना होक चाहिए दूटा जो से अभाव पे प्रधान चलिरहेको राजनीति अवस्था अब सङ्घ अथवा अस प्रदेशमा अखन प्रदेश अवस्था छ राजनीति ओ केन्द्र के लाग्ने प्रदेशको अवस्था प्रदेशमा आठटा ट जिल्ला अब देखियो अहिम भौगोलिक हिसाबले जा त नेपाल में मध्य जो छापा से कंचनपुर के कहुना बीस जिला कैसी कहू ने बाईस जिला कहे बीस जिला तो छबे करे बाईसों जिला कहीं लेकिन मध्य के नामकरण में मध्य प्रदेश कहकर से मनोसा से लप्तरी तक के आठ टा जिला तक राखल गोसर बात कह मध्य प्रदेश के जे ढंग राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका होक चाहिए से भूमिका नहीं के बाद आठ जिला के ने। की नेपाल जैसे हिमाल पहाड़ तराई मधेश के मिलल जुलल भौगोलिक स्वरूप है देश के इक्यान प्रतिशत से बेस मदेश के जनसंख्या टोटल तो, तो जो इक्वन प्रतिशत से बेसि जनसंख्या है तरह तो तर्णायक भूमिका हो चाहिए। राणा शासन से लगे निर्दलीय पंचायत व्यवस्था से लगभग निरकुश राजतंत्र तक के जत आंदोलन क्रांति चाहे जे विचारधारा वाला नेपाली कांग्रेस के ने हो माओवादी के या होमआल के ने क्षेत्रवादी पार्टी के नए सबके आंदोलन और क्रांति में से मध्य के सबसे प्रमुख प्रभावकारी और निंदायु हमका छह क्रांति में परिवर्तन में आंदोलन लेकिन जखन संविधान जारी रहे आ तक शासन शुरू भले हैं शासन कहू या सुशासन कहूँ तो मध्य प्रदेश के भूमिका जैसे संकुचित भगल है हम अखन अगर करनाल के, के हुला जुमला मुगु दैले कालीकोट सब जिला में के लिए सुरखेत लॉन्ग जुग में अथी मतलब क्योंकि लुंगनिका के जिला में अब उठान सल्याण दान आ रुबंदी से लगभग छा जिला वो घूम ली आम बीच बीच जब पहाड़ के जिला घूमती रहें त पहाडको नेपाली काङ्ग्रेसको साथी सबै बराबर छै से दाजु मधेसमा काङ्ग्रेस के कमजोर भग मधेसमा काङ्ग्रेस कमजोर भए त वजह सबको महसुस कहाँ छन् जसमा काङ्ग्रेस कमजोर छ जा जा मधेसमा काङ्ग्रेस जितल छै त देशमा काङ्ग्रेसको सत्ता रहै छै सरकार रहै रह मधेसमा काङ्ग्रेस छै कम भयो त से जेस

मधेस विरोधी भवन अब कृषि प्रचार गरे आहाडोक साथी सबै साथ मन छधेस त मधेसी केत गरे दुनुकै समन्वय केनाइ बड जरुरी छ दुनूेना बड जरुरी दुनूस मात्रै देश अिकस भयो राजनीतिक स्थिरता भयो आ मधेस राजनीतिक प्रभुत्व प्रभुत्व नै भूमिक हम विभिन्न ठाउँ

तकर बाद में आ गया हाल की वही रेत जनपुर की स्थिति अख बढ़िया नहीं हम हाँ अपने जैसे अठम आ राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के बात होनुषा जिला में हाई स्कूल सबके भवन के जापानी एड्स है या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बनाब कार्यक्रम सब शुरुआत कैसे शिक्षा के क्षेत्र में तेना अस्पताल के हो संचार के हो तो इस क्षेत्र में विकास के लिए यातायात में हम भौतीपूर्व बहुत विकास केने ढलके वर्द जलक पूरा चटी तक सिलाइन बना देने से अठम ने दूसरों जिला मधेश के आकर ते लोक अखन चाहिए तत्क अ भाग्य खास का का। के लोग अपने जिला के लोग से बेस आके से विदेश में जा मजदूरी करे रोजगार खोज रोजगार के व्यवस्था नहीं है मूल कारण के भए शिक्षा अर कृषि से क्षेत्रक में मधेस सरकार आके से आसी सजग भएक योगदान नै कल छ सङ्घीय सरकार सहयोग नै दार्जिलिङ सङ्घीय सरकार सहयोग बुझि विषय नै अब बढाइ त मधेसको जति राजनीतिक दलसी आ नागरिक समता बता भौतिक रूप सास्तवमा विकास बहुत ज्यादा भयो लेकिन अखन सबस एक चाहना छ अखन जे पर्यटक पर्यटकस बहुत जाँदा आइरहेको भारत नेपाल विभिन्न ठाउँ सिक्न अहिठ अहिलेको बादमे बहुत ज्यादा दुर्गन्धित एकटा एक आम चलि जनकपुर सबस फोरेल ठाउँ छैक फोर व्यवस्थापन नै भयो अखन स्थानीय सरकार छ मेयर छ

सब वार्ड के साथी सब अठम के सब बासिंदा अठम के नागरिक सबके सफाई सब पर ध्यान देवक चाहिए से हमारा हरों -कम के क्या कमी कमजोरी भर है पर धीरे धीरे सब के और बता हम जनकपुर के खासकर एक धार्मिक ऐतिहासिक महत्व सौसे माँ जनकपुर राजा जनक के राजधानी राजा जनक के देश मिथिला और राजा जनक के राजधानी जनकपुर में से जनक के गया जनक।, जनक के कहा जाए राजर्षिजनक राजर्षि जनक राजर्षि जनक मतलब में राजा जनक में से एक राजि जे लक्षण प्रवृत्ति हो चाहिए जनता के के रूप में से रहे संग संग मन रहे अं लगे राजर्षि जनक सब उनके याज्ञवल्क के नाम सा के, नाम से से बड़ा अठम के बौद्धिक साहित्यिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक छलफल से हो के जन अब के पुस्टा में नहीं भरा कहीं मन शुरू भले है लेकिन जै ढंग से हो चाहिए ते ढंग से नहीं भर चाहिए हम अके जुमला गेल रही hmm. तो जुमला में सिंजा सिंजा जगह जमाना नेपाल में पहले जे सिंजे में से नागवंशी राजा जो से सिंजा के शासन करे आ उसे धीरे धीरे विस्तार होत 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 चरण एल पृथ्वीनारायण शाह के और सबके लोग त्य सिजाको संस्कृति अभ्यता मिथ्या संस्कृति अभ्यता बिचमा आदान प्रदान हो सहकार हवक चाहिँ यो बड मिथिला साथीसबला कल्चरमा जुन रुचि र हमर इच्छा छ बाह्र सबै गरौँ पर्यटन अहिले जनकपुरको लोस आग्रह जे अध्यमस जतौ नै जा सकेपछि त दुई ठाउँ जरुरु ओला जाऊ आउँदा सिजा जाऊ अठम के लोग युवा सबके हम चाहबे आप यातायात के व्यवस्था भगल कने में दुख तकलीफ हेबे करे जाका उठम के सिजा के संस्कृति पौराणिक सभ्यता के बारे में जानकारी होते होतेम से जब तब मिथिला नाट्य कला परिषद के मिथिला संस्कृति के में जे लागल कलाकार सब सब वो कलकार उनके कहें से, से मिथिला कल्चर के प्रस्तुति करते बल्कि हम अठम व्यवस्था कर देवी के साथ से बड़े यू है आहुठक के साथ से आवे त आंतरिक पर्यटन जैसे चाहबे परटन विकास के सबस पहिलका सबसै आन्तरिक परटन <laughs> आन्तरिक परटन के विकास जब तक न हो छ का आफ्ना घर के देवता के अहिने मारबे त बालग लगा के पूजाता के जेना से बाद जेना आपने अखन कहले जै धर्म संस्कृति के बारे में मिथा कि जा प्रकार नाम एकछि आस्था मानल धाम मानल जाइछे जनकपुर बारेमा रामणकाल से त्रेता युगस जोडल उ वास्तवमा अख रहि चुकल चाहिँ कि कत नै कतै जास मेटा जनता बिचमा अहिले बासिन्दा बिचमा अपनत्व एकरन हुन्छ गौरवान अनुभूति हुन्छ प्रचार प्रसार भयो ठीक है अखनों के हम सब जाए जखन बनारस में सुनने बनारस के मंदिर में या और जन भारत में एन बहुते बड़का बड़का मंदिर सबसे हिंदू धर्म के जैठम की जनकपुर के माटि रखे उसे था। दैनिक नीप पोत के, के लिए जब तक जनकपुर के माटि से नहीं नी पोते पोतें तब तो तक पूजा के पवित्रता के नहीं माना जा प्रारंभ

सब, बर्गा बर्गा सब उस के बड़का बड़का विद्वानसन उस संस्कृति के विकास के अहूठक नेता को विकास करता समर्थन करने मानने तो राजनीतिक परिवर्तन सक्रिय आर्थिक परिवर्तन ले सक्रिय सामाजिक परिवर्तन के लिए सक्रिय हो समृद्धि के लिए सक्रिय संस्कृति के सम्बन्ध सबसे बड़का काम हो विद्वान सब सामाजिक अभियन्ता नेक चाहिँ बराि श्री रम जानकी बहु उद्देश्य अन्तरराष्ट्रिय बात अपने ए, अब नै जेना एकटा आदम पहिचान भेटलै अन्तराष्ट्रिय रमशाला मतलब मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धामे निर्मान अवस्थामा छै बहुत खेलोस लेकिन ओ अखन छै

दिया हाँ दायित्व है, वो के लगा के। तो है के नेपाल सरकार पर और प्रदेश सरकार पर अठम के एम्बेस भारतीय दूतावास वह कर बहुत विषय में हर से कोई सर सलाह नहीं मांगल गया yes. बाद हमारा मालूम एक बार मालूम है धर्मशाला yes. के yes. गोपाल धर्मशाला के बनाया जाए yes. तो गोपाल धर्मशाला वो भारतीय नागरिक द्वारा संचालित है तो अधिकार जब तक उन्हें नहीं दधि नहीं दूजी लगानी नहीं कह दोसरों वही समय वातावरण रामजानकी ऑडिटोरियम बनाब अंतर्राष्ट्रीय ऑडिटोरियम बनाबा निक बात हमू समर्थन कैसे वही समय आगे मध्य प्रदेश सरकार आ जनकपुर महानगर पालिका दून मिलकर मोदी जी द्वारा घोषित जो करोड़ के रुपया लगानी कैल जाए से उ भारतीय जनता पास लग इसम प्रस्ताव से लगे हम उ समर्थन लिए आ भारतीय जनता पारेटेलस सी डी पी आर पठा, पठा।, लेकिन पठा का, बना का पठे तब नै अब अहिले मध्य प्रदेश के सरकार तीन के 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 आ महानगरपालिका तिनटा के प्रारंभिक भूमिका हो सशक्त भूमिका जति जल सक्यता दुर्गानन्द

तो सर पार्टिसिपेट दलख मंत्री भी वहाँ से खुशी लाख फोन पार्टिसिपेट नहीं बाकी ग संतोष से भागवे दुर्गानंद झा जी के हम सब हम तो अपने पार्लियामेंट में जहार रही तैयार बाजल रही काठमांडू में शहीद स्मारक जो कहते हैं अगर शहीद स्मारक में जो चार पाँच ट शहीद मूर्ति है वह ठाम दुर्गानंद झा के मूर्ति बनक चाहिए से मांग करें वैसे अम आल ए के तत्कालीन एमआल के नेता से संसद में से नहीं हुआ तर बार कोही सक्रियता नै जे दुर्गा छुर्गान के बनै अब जुन छ अब सबै सम्मान गर्छ अब से राजनीतिक कारण चाहिँ कि भाइ हामी त दुर्गानन्दजी लक्ष्मीनारायण झाजी तयार छ सोमेल पसवानजीले तयार छ लख्नन्द्रीवास्तवी तयार बोध प्रसोदीको लागि तयार उयो चाहन्छ जापानमा के छ लोक सम्मान गरेठ पूर्वज सपूत

से कार्रवाई नहीं हुई प्रशासन होशासन में संसद में संसदीय छानबीन समिति बन रहे विचार से देश भर के सहकारी के बारे में छानबीन करने डिटेल नहीं सरकार समस्याग्रस्त सहकारी सब प्रतिवेदन बात करे तो छानबीन कानून अनुसंधान के निष्कर्ष

आप yeah. हम गर्मीती गर्मीती। right. सब अपना आपाली राजनीतिक कर्मी नहीं करे हम सब आंदोलन आंदोलनकर्मी कैसी हम सब जे जमाना में विद्यार्थी जमाना से लगली रही हम जैसे अभी दस क्लास पढ़ते हैं तो हम जन सर जब बैठे वही जनपद के साथी सब से देश भर के बहुत शादी सबसे जेल तखन गल रहे वही पुस्तक में से एक है राजनीति संस्कार आ अखन के नया नया पुस्तक सबके आंदोलन में भाग लेते लेकिन राजनीति करके चाहिए राजनीतिक अवसर या उपयोग चाह छ सन्तुष्टिस लास्ट ल चलि सांसद उप प्रधान तथा गृह मन्त्री रहि चुकल अब आब्ने अहि ठामक आम जनता फेरिस चाहिरह चाहिँ फेरिसम्म मन्त्री बन्ने मन्त्री बनाउँछ मन्त्री बना प्रधानी जहाँ तुनावला जनता देखा चाहे बहुत आभारी छ जनता प्रति का, काम कै छु मनमा पश्चाप आद्वानी नै कुन बात के त हाम्रो राजनीति आन्दोलनमा छ दुटा उदेश एक में लोकतन्त्र लि डेमोक्रेटिक सिस्टम ला संसदीय प्रधान एहु संघीय गणतंत्र सङ्घीय गणतन्त्र अहिले उहु समय पेसा सम्पूर्ण रूपस सक्रिय भ अपन प्रभावकारी में हाँ निर्वाह कर परिणामस्वरूप देशक परिवर्तन से राजनीतिक आदमी के आगे देश में जनता के पक्ष में परिवर्तन लाभ में सफलता प्राप्त हुए कि नहीं मामला में हम हमारा हमारा संतुष्टि से हम अपना आपक गौरवान्वित समझे कि हम से नेपाल में दूटा परिवर्तन मिली दोनों सफल परिवर्तन में से हम भाग लेने वो के लिए हमें असफलता नहीं दोसर हो जनता के लिए विकास एक काम करी जहाँ तक हमारा जनता दूब तीन भर चार जिते रहे अठम के सड़क अठम के स्कूल अठम के कॉलेज के विश्वविद्यालय अठम के बिजली के संचार माध्यम जते विकास के जे पूर्वाधार से हो सहयोग करेंगे रेलवे के लाब के समय में शो घर में मीटिंग पहलका बेर में भारत के दिल्ली से डेरा समय रामस्वरूजी रहेछ पता छ निस्वास अहिले जनकपुर बनल छ राजेशिंह जनक विश्वविद्यालय हाम्रो लोकलसम्म विरोध गरे राजा ललित राजनीति जनक विश्वविद्यालय स्थापना ताइ लक राजनीतिमा लगली त अब सन्तुष्टि कि नै ताले राजनीतिमा असन्तुष्टि नै आरो चाहे ता चाहन्छ जब तब त देश अ जनताले खासक क्षेत्रले जे के काम करे सक्रिय रहैत रहैत से हमर इच्छा अछि हिनका धन्यवाद दैत हमसभ राजनीतिक समसामयिक विषयपर बातचीत केलहुँ आ एतेक हमरा सबके बेसताके बावजूद भी समय देलत ओहिके लेल धन्यवाद दैत आ तोरी टॉक कार्यक्रम सहमो विदालित नमस्कार